हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। एंड आज का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले सिक्स काफी महत्वपूर्ण है, मतलब वन से लेकर फाइव तक डिस्कस कर चुके हैं पे। एंड सभी का पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। भले ही हम क्वेश्चन कम लेके आते हैं, लेकिन आने वाला समय में हम क्वेश्चन बढ़ाएंगे भी, तो सकता हम स्टूडेंट है इसीलिए पे। बाकी काफी अच्छा क्वेश्चन है आजकल बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है पे। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, कोई दिक्कत आ रही बात कर सकते, ये मेरा ऐप है। जनरल स्टडी के लिए यहाँ पे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 600 में। पहला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बीपीएससी एग्जाम क्वेश्चन पूछा भी गया है। भूमि सुधार डॉट डॉट के विषय अंतर्गत आता है यहाँ पे। अंडर द सब्जेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म, संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, या राज सूची के अंतर्गत आता है, या संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, या नन ऑफ एबव, या मोर देन वन ऑफ एबव, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे और एग्जाम पूछा भी गया है। हाल ही का राज सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी के टिक लगा के चले आइए। देखिए, भूमि से रिलेटेड कानून बनाने का जो अधिकार है ना, वो राज्य सरकार के पास दिया गया है। राज्य सरकार के पास और कितना और कौन कौन सा विषय है जिसपे कानून बना सकता है, तो लगभग 51 ऐसा विषय नहीं 41 ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कानून बना सकते हैं, आगे हम बताएंगे भी आप लोगों को। लेकिन संघ सूची कितने सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं, तो लगभग 100 ऐसा विषय जिसपे वो अपने अकॉर्डिंग कानून बना सकते हैं। और संवर्ती मतलब संघ और राज्य अगर दोनों मिल जाए, दोनों का आपस में बैठ के कानून बनाए, तो ऐसा कितना सब्जेक्ट है जिसे बना सकते हैं, 51 ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे। हाल ही आप लोग बी को तो टिक लगा के चले आइएगा, किस किस विषय पे कानून बना सकते हैं, अगर एग्जाम्पलों के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किया। यहाँ पे देखिए, यूनियन लिस्ट हो गया मतलब संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। और देखिए संवर्ती सूची जहाँ भी एजुकेशन की बात आएगा ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में बैठेंगे और फिर एजुकेशन से रिलेटेड कानून बनाने की बात करेंगे। यहाँ पे फॉरेस्ट हो, ट्रेड से रिलेटेड हो, यहाँ पे इन सब से रिलेटेड दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर को ऐसे रिलेटेड कानून बनाना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से बात नहीं भी करेगा तो फिर भी वो आपस में बैठ के कानून बना सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे कानून बनाते हैं वो लोग आप लोग जानते ही है, विधानसभा में बैठे यहाँ पे। एंड पुलिस से रिलेटेड हो यहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट पुलिस सर्विस से रिलेटेड हो, तो इन सब से रिलेटेड राज्य सरकार अपना कानून बना सकता है, इसको स्टेट पुलिस में रखा गया। वही यूनियन संघ सूची किस किस पे कानून बना सकते हैं, अब मान लीजिए कोई बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, या फॉरेन अफेयर हो गया यहाँ पे, या फॉरेन ट्रेड हो गया मतलब विदेशी नीति हो गया यहाँ पे, या लेकिन विदेशी से रिलेटेड और विदेश ट्रेड से रिलेटेड कोई कानून बनाना हो गया यहाँ पे, डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, इन सब से रिलेटेड हो, पोस्ट हो या टेलीग्राम हो, इन सब से रिलेटेड जो कानून है वो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत रखा गया। तो ये आप थोड़ा सा जानकारी रखने के लिए आप रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये भी कि लोकल गवर्नमेंट हो या पुलिस हो किसके अंतर्गत रखा गया है, संघ सूची, राज सूची या संवर्ती सूची। तो आपके ऑप्शन होगा राज सूची, पर टिक लगा सकते हैं। इस रूप में क्वेश्चन पूछा भी गया बीपीएससी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर जब आप डाउनलोड करेंगे, मैंने बताया था ना कि जब आप मेरा क्लास बाय करेंगे इस ऐप को डाउनलोड करके, तो वहाँ पे जनरल स्टडी का आपको सारा कुछ मिल जाएगा। देखिए मैंने काफी सारा प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करके रखा हूँ यहाँ पे, इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम का उनका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। 600 में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा यहाँ पे, क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इनके अलावा पेज सीरीज भी हम आपको डाले, प्रीवियस ईयर भी डाल रखे हैं, तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। जनरल स्टडी का सारा हिंदी भी मिल जाएगा और साथ में हम इंग्लिश भी डलवा देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले टू क्वेश्चन, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था यहाँ पे, सरदार सिंह राणा के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जयप्रकाश नारायण और नन ऑफ एबव, या मोर देन वन ऑफ एबव। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अच्छा आपको सुभाष चंद्र बोस से क्या थोड़ा कुछ याद कर सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की दो बार अध्यक्ष किया था यहाँ पे, एक बार हरिपुरा का अध्यक्ष किया था और दूसरी बार त्रिपुरा का अध्यक्ष किया था 1938 में, ये काफी फेमस होता है यहाँ पे। हाल ही का सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड और क्या आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, तो सुभाष चंद्र बोस है ना IAS का एग्जाम क्वालिफाई किया था, ठीक है, कब क्या क्वालिफाई किया था 1920 में किया था, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। 1885 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था यहाँ पे, सिद्धू और कानू ने किया था यहाँ पे, बिल्कुल सिद्धू और कानून ही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्ध भगत नहीं हो जाएगा, मदारी पासी भी हो जाएगा, एंड डी और ई भी नहीं हो जाएगा। अच्छा ये 1855 से लेके 1856 मतलब 1855 में स्टार्ट हो जाती है संथाल विद्रोह, 1856 में खत्म होती है। अच्छा ये संथाल विद्रोह चलता कहाँ पे, तो
हालांकि हम बिहार बोलते हैं लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं तो ये झारखंड में मतलब आपके झारखंड में देखने को मिलती है और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट में ये संथाल विद्रोह देखने को मिलती है अपने मतलब अंग्रेज के द्वारा है ना जो एक संथाली जनजाति को काफी दमन किया जाता था अत्याचार किया जाता था जमीनी से रिलेटेड यहाँ पे सो इसी के खिलाफ संथालियों ने विद्रोह किया था अंग्रेज के खिलाफ और कुछ टाइम के बाद ही देखते हैं 1857 स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये भयानक क्रांतिकारी रूप ले लेता है पूरा इंडिया के साथ साथ पूरा वर्ल्ड में इनका नाम चलता है। खैर थोड़ा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। आई थिंक हम इनके बारे में कई बार आप लोगों को बता चुके हैं हु इनवाइटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण यहाँ पे राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी थे यहाँ पे जयप्रकाश नारायण या नन ऑफ एबव या मोर देन वन ऑफ एबव बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए चंपारण इनवाइट कहाँ पे किया था तो 1916 लखनऊ अधिवेशन होती है कांग्रेस का वहाँ पे क्या होता है गांधी जी भी पहुंचते हैं और कांग्रेस के काफी सारे दिग्गज नेता भी लखनऊ 1916 में पहुंचते हैं और बिहार से राजकुमार शुक्ला पहुंचते कहाँ पे वो भी लखनऊ पहुंचते हैं। अब जो भी दुख दर्द था चंपारण के बारे में वो क्या करता है गांधी जी को सुनाता है राजकुमार शुक्ला फिर गांधी जी क्या भाई इनके बात में मोटिवेट हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है हम आपके साथ बिहार चलते हैं चंपारण चलते हैं। तो चंपारण आते हैं फिर वहां पे कहते हैं आंदोलन करते हैं अंग्रेज के ऊपर वहां पे गांधी जी की जीत भी हो जाती है और वहां से गांधी जी काफी फेमस हो जाते हैं तो राजकुमार शुक्ला ने इन्वाइट किया था। ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आगे भी हम काफी सारे क्वेश्चन लेके आएंगे लेकिन आप लोग सपोर्ट करिएगा अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर करिएगा जब काफी सारे स्टूडेंट आप लोग जब जुड़ जाएंगे तो हम लाइव ही आएंगे और लाइव में काफी सारे एक बार में 50-50, 50-50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया करेंगे यहाँ पे है ना ताकि मेरा उद्देश्य रहेगा कि जनरल स्टडी को आप इतना कर लो कि एग्जाम में काफी क्वेश्चन करके चलो यहाँ पे। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने की थी राम नंदन सिन्हा ने की थी सतीश झा ने की थी सचिदानंद संध्या ने की थी नन ऑफ एवो या मोर देन वन ऑफ एवो की थी यहाँ पे हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ सचिदानंद संध्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि सचिदानंद संध्या बात है एक क्रांतिकारी टाइप का नेता था थोड़ा सा गर्म विचारधारा का था यहाँ पे। हालांकि अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया था 1913 में किया था कहाँ पे किया था बिहार में किया था बिहार में पटना में किया था तो ये भी चीज एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एंड सिक्स क्वेश्चन देखें काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे बिहार समाजवादी पार्टी का गठन इन्होंने किया था यहाँ पे फूलचंद्र तिवारी और राजेंद्र प्रसाद क्या देखा या फुलल प्रसाद वर्मा या जयप्रकाश नारायण ने क्या था राजकुमार शुक्ला या स्वामी अग्निवेश ने क्या था नन ऑफ एवर या मोर देन वन ऑफ एवर। हालांकि अगर मैं इनका आंसर का बात करूँ तो फुलल प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण हो जाएगा आंसर यहाँ पे बात करें बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1931 हो जाएगा यहाँ पे ठीक है बिहार में स्थापना किया था। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे रेत वाली व्यवस्था काफी एक महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बीपीएससी में पूछा गया रेत वाली व्यवस्था 100% कहाँ लागू किया गया था यहाँ पे तो वेयर वॉज द रेत वाली सिस्टम इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे गुजरात मद्रास मुंबई नन ऑफ एवर मोर देन वन ऑफ एवर यहाँ पे। हालांकि अगर मैं इनका आंसर का बात करूँ मद्रास हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी को आप लोग टिक लगा के चले जाएगा। इनके बाद भी काफी सारे स्टार्ट में रेत वाली व्यवस्था में देखने को मिलती है जैसे कि हम बात करें मुंबई में देखने को मिलती है तमिलनाडु में देखने को मिलती है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में पूर्वी वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है यहाँ पे। इनके अलावा रेत वाली जो सिस्टम है वो भारत के कितने परसेंट हिस्सा में लागू था तो 51% वाले भाग में लागू था तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। अच्छा ये कब लागू किया गया था तो 1792 में लागू किया गया था तो बेसिक चीज आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। एंड आगे भी हम बिहार से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन वगैरह आप लोग के बीच हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें आठ क्वेश्चन देखें काफी अच्छा क्वेश्चन है 1857 विद्रोह की किसकी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था फिर वी डी सावरकर के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर सी मजूमदार के द्वारा नन ऑफ एवर या मोर देन वन। हालांकि अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो बी डी सावरकर हो जाएगा ए को करेक्ट आंसर टिक लगा के चले आइएगा। देखिए एक बुक लिखी थी बी डी सावरकर के द्वारा द इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस इसी में उन्होंने चर्चा किया था कि 1857 के विद्रोह
स्वतंत्र संग्राम के रूप में किया गया था यहाँ पे। हालिका आप बाल गंगाधर तिलक को याद रख लीजिएगा, काफी एक कई बार एग्जाम पूछा गया। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया था 1928 में, कब जब साइमन कमीशन जब भारत आए थे उसी दौरान लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। तो ये भी चीज आप जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, नाइन क्वेश्चन देखिए, नाइन बेसिक क्वेश्चन है नाइन में यहाँ पे। ध्वनि की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ साउंड। बीपीएससी एग्जाम में यूनिट एंड डायमेंशन से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डेसिबल होता है, न्यूटन होता है, पास्कल होता है, इंजीनियर के लिए तो बेसिक क्वेश्चन है, नन ऑफ एबव या मोर देन वन ऑफ एबव। हालांकि ध्वनि का अगर इकाई का बात करें तो डेसिबल होता है, ए को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, लेकिन न्यूटन का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। पास्कल का नाम सुने होंगे, दाब का जो ऐसा यूनिट होते हैं मतलब प्रेशर का जो यूनिट होते हैं वो पास्कल होती है। बेसिक क्वेश्चन था और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा भी जाएंगे यहाँ पे, पूछा भी गया है। खैर आगे क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। संविधान सभा का प्रमुख, मिस्टेक है, प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था यहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी रखा था, नन ऑफ एबव, मोर देन वन ऑफ एबव। हालिका अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये प्रस्ताव कब रखा गया था? तो 13 दिसंबर को रखा गया था, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था और कुछ टाइम के बाद इनको अपना लिया गया था। कब अपना लिया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था और फिर फाइनली लागू हो जाता है 26 जनवरी 1947 को लागू हो जाता है। एक बेसिक रूप में आप ये चीज जानकारी रख सकते हैं। लेकिन बी आर अम्बेडकर के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं? तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और संविधान निर्माण करने में काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण योगदान होती है। महात्मा गांधी जी के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन होती है कांग्रेस का, उसमें भाग लिए थे। एक बेसिक रूप में आप ये सब चीज एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। ऐसा काफी अच्छा क्वेश्चन था। बाकी गाइस इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही इस नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जनरल स्टडी का क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 600 में, जहाँ पे हिंदी भी आपको मिल जाएगा और साथ में आपको इंग्लिश भी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है गाइस। और आपका एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक हम आपके साथ होने वाले हैं, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे कुछ और भी अपडेट आएगी तो हम इसी चैनल पर देते रहेंगे आप लोग एग्जाम के। थैंक यू।